17 सी है ना, 9 सी का सेकंड एक्सरसाइज 19 सी। सेकंड क्वेश्चन बोलो, सेकंड क्या है, x टू द पावर थ्री डी एक्स कर रहे हैं ना, x टू द पावर एक्स टू द पावर 100 वाज प्लस 2x, ये 50 है ऐसे, बस 2 की पावर में नहीं है ना, और हाँ प्लस ये दोस्त। चलो अब देखो ना जरा क्या करना पड़ेगा, देख लो यहाँ ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या था याद है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या था याद है, हाँ बताओ क्या था फॉर्मूला, बोलो बोलो क्या था, बोलो लिख देते हम, बोल भाई ddx ऑफ f1 f2 इक्वल टू क्या था, f1 ddx ऑफ f2 प्लस f2 ddx ऑफ, ये फार्मूला था ना तुम्हारा क्या, हमने अब यही यूज करना है अपने को, लगा दो भैया क्या होगा, फिर पहले f1 लिखें ddx ऑफ f2, f1 क्या है x टू द पावर 100 प्लस 2x की पावर क्या हो जाएगा 50 माइनस का 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 7 रहेगा आपका, 8 हो जाएगा, x टू द पावर 7 आएगा ये एंड प्लस 20, और 5 का क्या हो जाएगा 0 प्लस f2 होता है 7x की पावर 8 प्लस 20x प्लस क्या हो गया 5 इंटू ddx ऑफ f1, x की पावर 100 का करेंगे तो 100x की पावर क्या हो जाएगा 99, 50 का करेंगे 50 पहले आएगा ना दोस्त, x की पावर 50 का 50 पहले आएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 49 और 3 का तो क्या आ जाएगा 0, सॉल्व कर लेते हैं इसे। अगले स्टेप में आप क्या लिखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये तो आएगा ही, x टू द पावर 100 प्लस 2x की पावर क्या हो जाएगा 50 माइनस का 3, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ 56, x टू द पावर क्या हो गया 7 प्लस क्या आ जाएगा दोस्त यहाँ 20 प्लस यहाँ को क्या आएगा 7, x टू द पावर क्या हो जाएगा 8 प्लस 20x प्लस क्या हो जाएगा 5, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा ये 100, x टू द पावर क्या हो जाएगा 99 प्लस 100 x पावर 49, चाहे इतना लिख के छोड़ दो, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो और क्या करना, हाँ और क्या, पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, नहीं नहीं बेटा बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना है, एक बाल टूटना हो सकता है लेकिन इतना ही करके छोड़ो, ये अपने आप में अप्रोप्रिएट आंसर है, बहुत सूटेबल आंसर है, बहुत परेशान नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा वो, ठीक है डन। और बताओ बताइए जिसको कंप्लीट करें, नहीं 18, चलिए 18 बताएं फिर, 18 ही डायरेक्ट बताऊं ना, हो जाएगा बता दें, चलिए 18 क्या है बताएं, 3x, हाँ अच्छा ये y इक्वल टू दिया है, ठीक है फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो पॉइंट्स फाइंड करना है, पहले ddx ऑफ y इसका निकालो, इसका ddx ऑफ y निकालेंगे तो हम क्या आएगा जरा बताओ, ddx ऑफ y इक्वल टू क्या होगा दोस्त, यहां से देखना करेंगे इसका पहले डिफरेंशिएशन तो क्या होगा
एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये तो पता है ना अपने को, बता भाई एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बताए मुझे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। हाँ लिख देता हूँ मैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यही ना एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो भाई, क्यों नहीं करोगे। एन अरे इट व्हाट हैपेंड, क्या आ जाएगा फिर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, चलो ठीक है x की पावर n इक्वल टू एन एक्स टू पावर n माइनस, ये है फॉर्मूला, बिल्कुल कर लो भैया। अब इसको करोगे x की पावर n के हिसाब से तो पहले ये पहले आ जाएगा 2 3x माइनस क्या हो जाएगा 1, ये होगा ना दोस्त। अब आ जाओ फिर ये ब्रैकेट का अंदर वाले का करोगे 3x माइनस 1 का, 3x माइनस 1 का अंदर वाले का करेंगे edx ऑफ 3x माइनस 1, हमने कहा था पावर में दिया है x के अलावा कोई फंक्शन है तो हो गया क्या। बेटा जब ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन का फंक्शन होता है ना तो अंदर फंक्शन का भी करेंगे, तुम्हें याद है हमने बताया था, हमने आपको कॉस्टिंग बताया था डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे कुछ बताया था आपको, नहीं पहले इसको एक्सपोनेंट के टर्म में करेंगे फिर अंदर फंक्शन का करेंगे, पहले इसको एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग हम इसको रिगार्ड करेंगे मतलब कंसिडर करेंगे फिर अंदर फंक्शन का भी करेंगे, मतलब अब ये समझो शॉर्ट में बता रहा हूँ तुम्हें, लगा देता हूँ मैं इसके लिए भी तुम्हें ताकि आप कंफ्यूज मत हो। अब मैं लिखता हूँ देखो, अब डी डी एक्स ऑफ, अब यहाँ दिया है एफ की पावर एन, यहाँ लिखा है एक्स, तो पहले इस फंक्शन का आई थी कब पढ़ा, ठीक है फिर तो पावर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा n, क्या आएगा पहले n एफ टू द पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा x, यही फंक्शन रहेगा, फिर अंदर जो फंक्शन है उसका भी करेंगे डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा f ऑफ x, अगर पावर में कोई फंक्शन इस तरह लिखा है तो केवल x से तो नहीं करना है, x के अलावा कुछ फंक्शन है तो लिखना पड़ेगा, समझ गए उसके हिसाब से किया हमने। अब आ जाओ दोस्त फिर प्लस यहां से यहां भी करोगी, यहां भी करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ, यहाँ को भी करेंगे तो क्या आएगा बोलो, हाँ सही है बताइए क्या आएगा, 3 आएगा, ये आएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा और डी डी एक्स आप यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस, अब इसको कीजिएगा तो ये क्या आएगा जरा बताना, तो 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा 3x माइनस 1 का, सिर्फ 3 आएगा बाकी कुछ आएगा नहीं, प्लस क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू 2x माइनस 1 का करेंगे सिर्फ क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्या आएगा 6 3x माइनस 1, यहाँ आएगा 6 और 2x माइनस 1 का होल 6, दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको 6 को कॉमन करो 3x माइनस 1 प्लस इसका करेंगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x आएगा दोस्त, क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या जाएगा 6 और क्या आएगा 4x स्क्वायर और माइनस x माइनस 1 प्लस 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल बस ये आएगा। अब अगले क्वेश्चन को अगले पार्ट में आते हैं हम, लिख लेना अभी दोस्त भेजेंगे PNG तुम्हें भेजेंगे सर, सब जाएंगे तुम्हारे पास दोस्त, सब कुछ मिलेगा तुम्हें।
अब मैं अगले पेज में आते पहले मैं इसको कर दूँ। अब जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है इसमें ये कहा जा रहा है कि वो पॉइंट निकालो जहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, जीरो। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू जीरो करें हम, तब तो हमें पॉइंट मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो नेक्स्ट पेज में मैं लिखूँ, चलो भाई। अच्छा अच्छा करो, नोट करो नोट करो, जल्दी से करो, जल्दी से करिए। जल्दी करो भाई, नोट करो। फॉर्मूले मैं साइड में लिखते चल रहा हूँ, बाकी आप लोगों को याद तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद है। फॉर्मूले की वीडियो भी हमने बना रखी है, वो पड़ा है चैनल पे, आप जाकर देखो एफएमसीसी वाली सीरीज में। हो गया पक्का? चलो फिर, क्या हो गया ना? अब कह रहा है वो पॉइंट निकालिए जहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है दोस्त, जीरो है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, जीरो है। और डी डी एक्स ऑफ वाई में आया क्या आपके पास, सिक्स। और यहाँ क्या आया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया दोस्त, जीरो है। ये फोर है, अब ये तो जीरो ही आ जाएगा। एक्स कॉमन करो दोस्त, क्या आ जाएगा, ये फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगा, वन बाई फोर। और वाई इक्वल टू क्या था आपके पास, वाई इक्वल टू था आपके पास थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, जब मैं एक्स इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ तो जरा देखना वाई की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ। एक्स की वैल्यू जीरो लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो रखूंगा तो यहाँ वन वन क्या आ जाएगा, टू। इसका मतलब पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया, जीरो कॉमा। बेटा इसको हाँ वहाँ माइनस बनाएगा ना, जीरो कॉमा जीरो आएगा बेटा, जीरो कॉमा क्या आएगा, यहाँ जीरो। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा बताओ, वन बाई फोर, जहाँ जहाँ एक्स है अपन वहाँ क्या रखेंगे, वन बाई फोर। वन बाई फोर रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा जरा बताना सॉल्व करने पे, अरे थ्री बाई फोर आएगा, ये माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर का होल स्क्वायर करेंगे वन बाई सिक्सटी, प्लस यहाँ देखो वन बाई फोर करेंगे वन बाई टू आ जाएगा, वन बाई टू में से हाफ मतलब वन माइनस करेंगे माइनस हाफ, माइनस हाफ का क्यूब करेंगे तो माइनस वन बाई एट आएगा। दोनों में एलसीएम क्या होगा, ये वाई की वैल्यू है दोस्त, ये बेसिकली किसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, वाई की लिख रहे हैं। कितना आ जाएगा, सिक्सटीन एलसीएम होगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, वन माइनस टू कितना आ जाएगा, वन माइनस, अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, वन बाई फोर कॉमा माइनस वन कॉमा, इन्हीं दो पॉइंट्स पे डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा भैया, ठीक आसान है, जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर आगे बात करें। अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट जल्दी बताइए, इसकी प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सब, जल्दी से कर लीजिए। कितने क्वेश्चन हैं इसमें बताने को, बस 18 ही पूछना था, इसके बाद सारे आ गए आप लोगों को या और भी कुछ पूछने हैं इसमें बताओ, जो जो पूछना है जल्दी से बता दो फिर आगे स्टार्ट करें। जी 2020 किस आएगा क्या, एच खेल रहा है 20, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा बेटा, आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ छोड़ना। हाँ चलिए 20 हटा दें इसे, बोल भाई 20 में क्या है, 20th में क्या है, बोल भाई बोल, बोलो जरा मैं देख लूँ क्वेश्चन एक बार। क्या है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, यही है ना, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर विच डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वन, यही फिर वही चीज है। y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो पॉइंट निकालना है जहां पर डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या है, वन है। वहां जीरो था तो इक्वल टू में जीरो लिख दिए, यहाँ डी डी एक्स ऑफ y वन है इक्वल टू में वन लिख देंगे,
अब इसका डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे क्या होगा जरा बताना, ये डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला यूज करना है दोस्त, फार्मूला क्या था याद है आप लोगों को, बताइए याद है, बताओ क्या था फार्मूला, हाँ डी डी एक्स ऑफ एफ वन बाई एफ टू, क्या था फार्मूला, एफ टू का नीचे स्क्वायर था, एफ टू डी डी एक्स ऑफ एफ वन माइनस एफ वन डी डी एक्स ऑफ, ये था फार्मूला अपना, आपने लिखा भी होगा, हमने लिख दिया, आप ध्यान रखिए। अब नीचे का स्क्वायर करेंगे दोस्त, वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये, सो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन, फिर माइनस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, वन का जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स, यही लिखा जाए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो गया टू एक्स स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे किस चीज़ और तो क्या होगा, वही बताऊँ हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर दिस होल अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमसे कह रहा है वो पॉइंट निकालिए जहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या है वन है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वन कर दिया जाए, अगले पेज में करें यहाँ समझ जाएंगे, जल्दी करिए, नोट करेंगे क्या करिए, वैसे मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा आपको, हाँ 19 भी पूछना है, पीछे भी आए हुए 20th पूछ के फिर 19 में आओगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपका 19 है तो मिलेगा आपको, हटाएं से आगे करें, क्या हुआ शशांक, नहीं कुछ पूछना चाह रहे हो क्या शशांक, पूछना है क्या, क्या भैया कैप्टन साहब क्या चल रहा है, कुछ लिख रहे हैं आप, मिल जाएगा सब, हटाई से दोस्त, हाँ इसमें आ जाओ, कह रहा है वो पॉइंट निकालो जहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या है वन है, पहले तो इसको कंप्लीट कर लिया जाए, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वन प्लस एक्स टू पावर क्या आ जाएगा फोर माइनस का टू एक्स स्क्वायर, सबको उधर ले जाकर माइनस करो, एक्स टू पावर फोर हो गया माइनस का क्या हो जाएगा ये थ्री एक्स स्क्वायर, वन से वन क्या हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू में क्या हो गया जीरो, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री इक्वल टू, या दोस्त एक्स इक्वल टू जीरो भी आएगा, दो बार जीरो जीरो आएंगे, लिखने की जरूरत है क्या नहीं, और एक बार क्या आएगा प्लस माइनस रूट थ्री, वाई इक्वल टू हमारे पास क्या था, वाई इक्वल टू हमारे पास क्या था एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या था वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस ये था। अब आ जाओ जब मैं एक्स इक्वल टू जीरो रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी जरा बताना, एक्स इक्वल टू जीरो रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, आई कर रहे हैं भाई, एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो यहाँ जीरो पॉइंट वन आएगा, वाई की वैल्यू भी तो जीरो आ जाएगी, पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया जीरो कॉमा, पहला पॉइंट हो गया, फिर जब मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, एक्स की वैल्यू में प्लस के रूट थ्री रखूंगा तो क्या आएगा जरा बताना, प्लस के रूट थ्री रखूंगा तो क्या होगा वहां रूट थ्री अपॉन क्या आएगा वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस रूट थ्री वाई, अगला पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें रूट थ्री कॉमा माइनस रूट थ्री वाई, नेक्स्ट पॉइंट ये मिल गया रूट थ्री कॉमा माइनस रूट थ्री वाई, फिर सेकेंड क्या आएगा एक्स की वैल्यू पर हम क्या रखेंगे माइनस के रूट थ्री रखेंगे, जब माइनस के रूट थ्री रखेंगे तो क्या आएगा माइनस रूट थ्री अपॉन, नीचे तो माइनस टू ही आएगा तो क्या आ जाएगा ये प्लस क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू रूट थ्री वाई टू, फिर अगला पॉइंट हमें क्या मिल गया माइनस की रूट थ्री कॉमा रूट थ्री वाई, ये तीन पॉइंट मिलेंगे हमें, तीनों मिल गए बोल भाई, ये तीनों पॉइंट थे, तीन पॉइंट होगा जहां पर रीडीएक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आएगा वन आएगा, ये तीन पॉइंट ये रहे, कोई दिक्कत परेशानी बता भाई, मुझ पेताव दे रहा है क्या, मैं ऐसे किया तो मैं और कौन 19 जल्दी बताओ इसको कंप्लीट करें, हाँ 19 का फर्स्ट, हाँ क्या है भाई 19 का फर्स्ट देखिए जरा,
वाई इक्वल टू दिया है एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन प्लस फाइव, फाइंड एट डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है एक्स इक्वल टू टू पे, कुछ नहीं करना है, फिर वही तरीका आसान तरीके हैं। इसको हटाएं, नोट कर लिए, हटा दो भैया, बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको। 19 का फर्स्ट पूछ रहे हैं आप, 19 का फर्स्ट क्या है, वाई इक्वल टू क्या है, तो जल्दी बता देना, एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है कब, जब एक्स इक्वल टू क्या हो, फिर से वही फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एफ वन अपॉन एफ टू लगेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा जरा बताना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव का होल, फिर क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस वन का डिफिनेशन वन ही आएगा, माइनस का एक्स माइनस वन, फिर इसका डिफिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, फोर एक्स माइनस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, बता दे भाई, वन से मल्टीप्लाई करेगा तो यही रहेगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स प्लस फाइव, यहाँ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ करेंगे एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई अंदर, तो क्या होगा, रहने देते हैं, कहा इतना तकलीफ उठाएंगे, वैल्यू तो रखनी ही है अपने को, एकदम मल्टीप्लाई करके एकदम सर के बाल थोड़ी गिराना है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस क्या हो गया फाइव, इसका होल स्क्वायर है तो क्या कर देंगे होल, हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू, तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू वन टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू रख देते हैं, स्टार्टिंग में रखेंगे टू क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट आएगा, और माइनस का सेवन टू जा फोर्टीन, प्लस का क्या हो गया फाइव, वहाँ टू रखेंगे टू माइनस वन वन आएगा, वन को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री से, कितना हो जाएगा माइनस थ्री, और माइनस पहले से लगा है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, नीचे क्या आएगा जरा देखो, फिर से टू एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा एट, एट माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा सेवन टू जा फोर्टीन, और क्या हो गया प्लस का फाइव, दिस क्या है होल स्क्वायर, कर ले भाई इसको सॉल्व, ऊपर कितना आ गया तुम्हारा, ये हो गया थर्टीन, थर्टीन तीन थ्री कितना हो गया सिक्सटीन, सिक्सटीन में से टू फोर्टीन माइनस करेंगे क्या आ जाएगा टू, यहाँ कितना आ गया नाइन, नाइन में से इलेवन आएगा, थर्टीन में से फोर्टीन को माइनस करेंगे माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्त, ये हमारा क्या है आ रहा है क्या माइनस टू आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, माइनस टू कैसे आएगा, हाँ प्लस टू आएगा, वही तो कह रहा हूँ, देख ले भाई प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है, नहीं हम नहीं मानेंगे ना उसे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा या लिखा होगा मिसप्रिंट हो गया होगा, दोबारा देख वैल्यू रखने पे देख लेना, ठीक है डन, ठीक देख लेना कैलकुलेशन सब ठीक है ना, हाँ तो माइनस लगा है, अब टू रखेंगे टू माइनस वन वन आएगा, यहाँ माइनस थ्री आएगा, एक्स के प्लेस पे सॉरी यहाँ टू रखेंगे, फोर टू जा एट, एट में से सेवन को माइनस करेंगे वन, वन में से वन को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा वन, माइनस वन ही आएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस वन आएगा दोस्त, यहाँ कितना आएगा माइनस के वन, ये माइनस वन आएगा, जब इसे माइनस वन करेंगे तो क्या होगा जरा बताना, माइनस फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन, ये माइनस का टू आएगा, माइनस टू आया तो क्या क्या गुड हैप्पी, ले ले भाई सर हैप्पी सिंह का है, हैप्पी आंसर आ गया, अब कुछ बचा है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये बस क्या एक और बची है जी, क्यों सोच रहा हूँ, देख लो कितने क्वेश्चन तो है ही इसमें, अब ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस आ गया, बहुत आसान है दोस्त, हटाए दे इसे, हटाए इसे, हटाए आ जाओ एक्सरसाइज कौन सा है 19D, अब 19D में आ जाओ दोस्त, 19D में देखिए क्या है, समझो हीरो, अब यह अरे दोस्तों देखिए नहीं तो अभी सब ऊपर जाएगा, हाँ 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 काहे इतना भाई, अगर फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है तो
पता है ना कैसे करना है, पहले इसका करेंगे एफ डैश जी ऑफ एक्स आ जाएगा ये, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे क्या आ जाएगा जी डैश एक्स, बताया था ना इसको स्टार्टिंग में भी हमने, हाँ प्रोडक्ट में ही रहेगा, फंक्शन ऑफ द फंक्शन की केस में सब प्रोडक्ट में ही रहेगा। ओके अभी बता देंगे एक दो एग्जांपल आ जाएगा। और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का केस है तो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का केस है तो बताना, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का केस है तो उस केस में क्या होगा, हाँ बताओ, अगर डी डी एक्स ऑफ एफ वन एफ टू लिखना हो तो क्या आएगा, एफ वन डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू डी डी एक्स ऑफ, क्या फॉर्मूला आपको सब याद है, यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब पहला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, इसमें डी डी एक्स ऑफ क्या है साइन फाइव एक्स, तो साइन अपने आप में फंक्शन है, एक्स भी अपने आप में फंक्शन है, तो पहले साइन के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त, बताओ जरा मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको याद है, बताओ भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस लिख दें, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स, मैंने लिख दिया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, ये कॉस ऑफ फाइव एक्स आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट में फाइव एक्स का करेंगे, ये फंक्शन अपने आप में अकेला है, फाइव एक्स का करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, फाइव पहले आ जाएगा तो फाइव, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर है, आसान सा है, बस फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस रहेगा, सब डिस्कस कर रखा है मैंने ऑलरेडी, फॉर्मूले सब बता रखे हैं, ये कर रहा है, फिर भी मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। अब भैया स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चन है आपको सब आ जाने चाहिए, खड़ा खड़ खट खट आ जाएंगे, बहुत बढ़िया, 10, 11, 12 सब हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, 13 भी हो जाएगा। अब 13 से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है सब हो जाने चाहिए आप। अच्छा थर्ड बताना है आपको, ठीक है, थर्ड में देखिए क्या है, डी डी एक्स ऑफ साइन का 5x प्लस क्या है ना दिया, तो पहले साइन का कॉस के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा 5x प्लस 9, फिर डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस 9 का करेंगे, जब मैं छोटा बच्चा था, फाइव एक्स प्लस वन नाइन का करेंगे तो x का वन हो जाएगा, नाइन का जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, फाइव फाइव पहले आ जाएगा बस, ये कैसे लिख दिया, साइन का पहले साइन के हिसाब से करेंगे, साइन का डिफिनेशन क्या होता है कॉस, जो एंगल में है पूरा लिख लेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे वो भी इनटू में करके, आप समझ गए, अगर बहुत दिक्कत हो रही तो मैं लिख देता हूँ दोस्त, नहीं मैं लिखूंगा, अब तो मैं लिखूंगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ए कॉस ए एक्स होगा, और डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स लिखा है तो क्या होगा ए साइन, जो एक्स का कोफिशियंट है वो हमेशा एज ए कोफिशियंट पहले आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद, केवल एक्स का कोफिशियंट प्लस माइनस में लिखा है इससे मैटर नहीं करता, जो एक्स का कोफिशियंट होगा वो हमेशा पहले आ जाएगा एज ए कोफिशियंट, समझ गए, ये ध्यान रखना, ये हमने लिख दिया ध्यान रखना, बस हो गया, बहुत सुंदर। अब इसके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, कहीं कभी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया है, कभी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शंस दिए हैं, क्या आप कर पाएंगे, या जो टफ लग रहे हो बताओ मैं बता दूं, बोल भाई, हाँ बोलो कौन सा 18, चलो 18 पूछ रहे हैं, देखो हाँ बोलो बोलो भाई, किसी को बताना है, आसान है, जो आपने पढ़ाया वही सब चीजें यहां पर इंप्लीमेंट करनी है, अब फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, यही सब चीज़ है यहाँ पर, और जिनको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिक्कत है डिफरेंशिएशन में वो भी लाइएगा, हम बता देंगे भाई, सब आप फाइनल ये मत रखिए कि बच गया था पूछ लेते हो तो ठीक था, जो भी मन में आ रहा है पूछ लो, और क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हम आपको दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है भैया, ठीक है, क्या समझ गए,
बाकी फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिखे ही है, डिफरेंशिएशन वाली वीडियो हमने पब्लिक कर रखी है, फॉर्मूले वाली सब मैथ्स की एफएमसीसी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको एक जगह मिल जाएंगे, बाकी आप लोगों ने लिखा ही होगा। तो आज के लिए इतना रखें इसमें, ठीक है भैया, ओके बहुत शुक्रिया फिर।